हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब एंड एक्सेल आइडियाज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। चलें गाइस, आज हम विंडो बूटेबल यूएसबी करना सीखेंगे कि हम वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, क्रोम या कोई भी, और यहाँ पर हम पावर ISO, हमें जस्ट दो फाइलों की ज़रूरत है, एक पावर ISO और एक ISO फाइल फॉर विंडोज़। तो सबसे पहले हम पावर ISO डाउनलोड कर लेते हैं। तो पावर ISO पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास लिंक खुल गया है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, साथ में ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड फॉर ऑल वर्जन। ये देखें, फ्री डाउनलोड, नथिंग फॉर आई कैन नॉट पावर इस। नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, कुछ सेकंड के बाद हमारे पास राइट कॉर्नर में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। अभी फाइल लोड हो रही है, ये देखिए आ गया है, ये डाउनलोड हो रहा है हमारा पावर ISO। उसके बाद हमें दूसरी फाइल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि विंडोज़ फॉर ISO, जैसे कि हम कर लेते हैं विंडो 10 कर लेते हैं, विंडोज़ आप कोई भी कर सकते हैं, 10, 8, 7, XP। तो ये देखिए, मैं 10 कर रहा हूँ फ़िलहाल, विंडोज़ 10 ISO फाइल डाउन, बस इसको रहने से ISO फाइल लिख के इंटर कर दें। तो ये देखिए, हमारे पास ISO फाइल का खुल गया है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट लिंक विंडो 10 ISO फाइल। तो ये हमारा पेज लोड हो रहा है अभी, क्योंकि आज इंटरनेट स्लो चल रहा है तो इसलिए थोड़ी सी देर हो रही है। तो इसको हम नीचे कीबोर्ड से डाउन एरो से नीचे ड्रैग कर लेंगे और ये देखें, मैं इसे नीचे ड्रा कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे हम ढूंढ लेंगे अंडरस्टैंड 32-bit इंग्लिश, ये पड़ा है 3.5 GB, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखिए लोड हो रहा है, देखिए पेज अनरिस्पॉन्सिबल। तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, वेलकम टू यूज़र। इस वेबसाइट पर हमें लिंक नहीं मिल रहा, तो हम अगेन वापस आ जाएंगे और अगेन विंडोज़ 10 लिख के सर्च कर लेंगे, या हम वहाँ से भी बैक आ सकते हैं, लेकिन मेरा नेट स्लो है तो इसलिए मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें, अगेन
डाउनलोड के अंदर जाके हम देख लेते हैं अपनी फाइल पावर ISO, वो इंस्टॉल हो रही है अभी नहीं हुई, तो हम अगेन क्रोम ओपन कर लेते हैं अपना और इसके अंदर अगेन टाइप करेंगे विंडोज़ 10 पावर ISO फाइल। यह थर्ड ऑप्शन जो है विंडोज़ पावर ISO डाउनलोड 64 बिट एंड 32 बिट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ गया हमारे पास। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे डाउनलोड का हमें स्टार्ट हो गई है। ये रहा डायरेक्ट लिंक, ठीक है, मैंने इनकी ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा और हम अपना पावर ISO सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन पे आ गया है। ये देखें फर्स्ट ऑप्शन पावर ISO, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और आई एग्री, नेक्स्ट नेक्स्ट और ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ये देखें इसका आइकॉन आ गया पावर ISO, इसको नेक्स्ट कर देंगे और क्लोज। चलें अब इसको ओपन करते हैं और अपनी USB को इंसर्ट कर लेते हैं। हमारी USB इंसर्ट हो गई, ये देखें ये थर्ड ऑप्शन है, इसके ऊपर सेकंड चल रहे थे 3 या 4 सेकंड, तो ये सेकंड कंप्लीट हुए हैं तो साथ में ही वो ऑप्शन हाईलाइट हो गया। ये देखें क्लीन USB, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यस कर देंगे तो यहाँ पे अगेन वही ऑप्शन आ जाएगा। ये देखें अब फर्स्ट ऑप्शन पे आया है, ये देखें सेकंड चल रहे हैं, जैसे ही ये 3 सेकंड कंप्लीट होंगे तो ये देखें कंटिन्यू पावर ISO हाईलाइट हो जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी जो USB है उसको रिफ्रेश कर लेंगे कौन सी है। मैंने तो एक USB फ़िलहाल कॉन्टैक्ट की हुई है और क्लीन USB और ओके कर देंगे तो कुछ सेकंड के बाद हमारी USB क्लीन हो जाएगी और हमें मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद अगेन हम टूल के अंदर जाएंगे और जहाँ पे क्लीन का ऑप्शन का उसके ऊपर ही देखिए, यहाँ पे नीचे क्लीन का ऑप्शन था उसके ऊपर वाला ऑप्शन है क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने अपनी पावर ISO विंडोज़ फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है तो वहाँ पे चले जाएंगे। जैसे कि मैंने रखी हुई है डी ड्राइव के अंदर विंडोज़ के नाम के फोल्डर के अंदर, ये विंडोज़, इसके अंदर विंडोज़ 10 सेकंड और ये पड़ी है हमारी फाइल, इसको ओपन कर देंगे। यहाँ पे हमने USB ऑलरेडी स्टार्ट कर सक चुके हैं और स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये देखें स्टार्ट हो रही है, अब ये कुछ मिनट्स लगेगी, वो आपकी सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है तो मैं इसे पॉज कर देता हूँ। तो ये देखें तकरीबन 1 से 2 मिनट लिए हैं इसने और ये इतनी ज़्यादा यानी कि हो गई है। अगर मेरा सिस्टम क्योंकि थोड़ा सा स्लो है इसलिए थोड़ी सी देर लगा रहा है, अगर सिस्टम फास्ट हो तो जल्दी हो जाता है। तो ये देखें बस थोड़ी सी रह गई है और ये आपकी जो USB है ये कम से कम 16 GB की होनी चाहिए अगर आपने विंडोज़ ऑल इन वन वर्जन करना है, यानी कि 32 और 64 बिट के लिए। अगर आपने जस्ट 32 बिट करनी है तो फिर आप 8 GB की भी यूज़ कर सकते हैं या कोई लाइट विंडो जैसे कि ब्लू एरो हो गई, वो भी आप 8 GB की विंडो के अंदर कर सकते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल विंडो है उसके लिए आपको कम से कम 16 GB की USB रिक्वायर है। तो ये देखें
इसका आइकॉन कुछ इस तरह सा ही हमें नज़र आ रहा है और हम ये देखें जस्ट सेकंड रह गए हैं अभी। ये देखें मैसेज आ गया है विंडोज वाज कंप्लीट सक्सेसफुली। इसको हम क्लोज़ कर देंगे और पावर आई से इसको भी क्लोज़ कर देंगे। और ये देखें हमारे पास इसका आइकॉन ख़त्म हो गया है। अभी हम अपनी यूएसबी को निकाल लेंगे और अगेन कॉन्टैक्ट करेंगे। ये देखें इसका आइकॉन कुछ इस तरह से हमारे पास शो हो गया है, यानी कि हमारी यूएसबी बूटेबल हो गई है। इसका नेम भी चेंज हो गया है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैंने